पाकिस्तान के उन तलबा के लिए जिन्होंने एमएस या एमफिल की डिग्री उनके पास मौजूद है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, जिनके तहत आप जब एप्लीकेशन जमा करेंगे तो वो आपको, अगर आप जो है उसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपकी नॉमिनेशन हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर यूके की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में, वो आप पर पीएचडी जो है वो उसका जितना भी खर्चा होगा वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उठाएगी। और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ पीएचडी आपको 19 स्केल पे एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हायर किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अब वो पीएचडीज या कौन कौन से लोग, कौन कौन से फील्ड के लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ और फैकल्टी ऑफ साइंसेज के लोग जिनके पास एमएस या एमफिल की डिग्री मौजूद है, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, उसके लिए आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसके जो है वो 35% उसका वेटेज होगा, और जीआरई टेस्ट आपको करना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल के जो है 10% वेटेज होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो 20% उसका वेटेज होगा मार्क्स में। अगर ये जो है आप ले लेते हैं और इसमें आप हायर मार्क्स जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 3 GPA होना चाहिए, 3 से मिनिमम नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आपका एज 30 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, और एमएस या एमफिल की डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और फोर्थ वन, कि अगर आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप मिल रहा है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर की जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो जो है वो मीट कर रहे हो आप, तो तब जो है आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी एमएस और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, और अगर आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में पीएचडी करेंगे, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी आप 90 स्किल पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। थैंक यू सो मच।